अरे फ्रैंकलिन मेरे दोस्त, आज देखते देखते पूरा एक महीना हो चुका है लेकिन तू हमारे बीच नहीं रहा। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप ऐसे करके हम लोगों को छोड़ के क्यों चले गए फ्रैंकलिन भैया? क्योंकि सिंचन यहाँ पे फ्रैंकलिन जो है वो यहाँ पे सबका मदद करता था, और जो बंदा यहाँ पे सबका मदद करता है वो बंदा एक दिन जरूर फंसता है, यह इतिहास गवाह है यहाँ पे। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, माइकल भैया आपका इतना पहचान है, इतना जोर से, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे फ्रैंकलिन भैया को नहीं बचा पाए। मैं क्या करूँ सिंचन, जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तब बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था। यहाँ पे मैं क्या अपने बचपन की दोस्त को यहाँ पे याद नहीं करता? फ्रैंकलिन मुझे तेरा बहुत ज्यादा याद आता है यार, यहाँ पे हम लोग कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे खेलते थे, झगड़ते थे एक साथ, यहाँ पे जब मुसीबत आता था हम लोग अपने आप के ऊपर कूद पड़ते थे, लेकिन आज देखते देखते एक महीना हो चुका है तू हमारे बीच नहीं है फ्रैंकलिन। अरे सिंचन नोबिता चलो। अरे माइकल भैया, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अरे फ्रैंकलिन भैया को कुछ भी करके लेकर आइए ना माइकल भैया। मैं क्या यहाँ पे भगवान हूँ सिंचन, मैं यहाँ पे जितना हो सकता था उतना यहाँ पर किया, लेकिन यहाँ पे अगर फ्रैंकलिन को अगर कुछ हो गया तो फिर इसमें मैं क्या करूँ। हाँ चलो, जो होना था वो तो हो गया, आगे और भी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैंकलिन का जो यहाँ पे कत्ल हुआ है उसका यहाँ पर बदला लेना बाकी है सिंचन। अरे हाँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं माइकल भैया। तो फिर आ जाओ सिंचन गाड़ी में चलो। अरे हाँ चलो। तो फिर सिंचन चलो हम लोग चलते उसके पास। अरे हाँ चलिए। तो फिर आप लोग भी यहाँ पे जान के हैरान हो गए ना कि जो माइकल, जो सिंचन, जो नोबिता यहाँ पे हमेशा फ्रैंकलिन के साथ रहता था, आज ये तीनों यहाँ पर अकेला क्यों हो गया है? कहाँ गया फ्रैंकलिन? हम लोग यहाँ पे फ्रैंकलिन को देखने के लिए क्यों आए थे? तो फिर सुनो क्या हुआ था, ये कहानी बहुत दिन पहले का है। फ्रैंकलिन को यहाँ पर चुल मजा था कि यहाँ पर जो है वो सबका मदद करे, और आखिरकार मदद करते करते एक दिन फ्रैंकलिन खुद शहीद हो गया। अरे माइकल भैया पूरा कहानी बोलो ना, क्या हुआ था? अरे हाँ बोलता हूँ, तो फिर सुनो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो फिर सिंचन और नोबिता, देखो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे अपने नए गाड़ी का डिलीवरी ले ही लिया। यहाँ पे भाई साहब गाड़ी में सनरूफ भी है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं दोस्तों तो फिर देखिए ये गाड़ी हम लोगों ने जस्ट अभी अभी लिया है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, ये गाड़ी सच में लाजवाब है। अरे बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल, और इस बार ना मैं इस गाड़ी को भाई साहब ठोकूंगा नहीं। अरे वो तो वक्त बताएगा। अरे हाँ देख लेना भाई साहब, वक्त बताएगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि ठोकूंगा नहीं तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं ठोकूंगा। अरे यार कुछ ज्यादा सामने आ गया, चलो यार यहाँ पे पीछे चलते हैं। अरे पीछे जाके क्या होगा? अरे चलो ना भाई साहब यहाँ पे जाके आज हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर भाई साहब यहाँ पे रेस्ट करते हैं, उसके बाद नए गाड़ी के साथ दो तीन फोटो वगैरह खिंचाते फिर भाई साहब चले जाएंगे। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया चलिए। अरे यार ये जगह तो भाई साहब अभी भाई साहब बंद है। अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलो यार यहाँ से भाई साहब जाते हैं और पहाड़ी के ऊपर जाके फोटो खिंचाते। अरे हाँ चलिए। अरे हाँ भाई साहब यार। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ये गाड़ी आपको जो है कैसा लगा। ओके ये गाड़ी देखो भाई साहब कितने बढ़िया तरीके से ये पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, और सिंचन लो भाई साहब यहाँ पे आ गए हम लोग, और ये लो। अरे फ्रैंकलिन भैया, ओ भाई यार गाड़ी में यहाँ पर स्क्रैच लग गया क्या? अरे भाई साहब यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया था यार। अरे मैंने तो कहा था ना कि वक्त बताएगा। अरे देखो यार कुछ भी नहीं हुआ है गाड़ी में। अरे चलो भाई साहब कुछ भी नहीं हुआ चलो। अरे बाप गाड़ी तो बहुत बढ़िया है। अरे यार नए गाड़ी के साथ साथ भाई साहब सुबह सुबह इस किस जानवर का मुंह देख लिया। अरे क्या तूने मुझे जानवर बोला फ्रैंकलिन के बच्चे? अरे हाँ बोला तो। अरे चल तेरे साथ में ज्यादा जुबान नहीं लड़ाता। अरे यार फ्रैंकलिन। अरे क्या हुआ बोल। अरे ये गाड़ी तो मस्त है रे। कितने का है भाई साहब? जितने का भी हो, तेरा भाई साहब सैलरी उतना का नहीं है जितना मेरा गाड़ी का है। चलो सिंचन नोबिता। अरे डुक भी जाओ, तेरे जैसे भाई साहब यहाँ पे नल्ले के साथ भाई साहब बात करने का समय नहीं, आ जाओ दोनों। अरे हाँ चलो। अरे गाड़ी छोड़ के जा। क्या? गाड़ी को छोड़ के जा। अबे तेरी भाई साहब ऐसी की तैसी गाड़ी छोड़ के जाओ, गाड़ी तेरा है क्या? अरे अभी मैंने देखा है मतलब मेरा है, चल फूट ले यहाँ से। अरे चल उठ
यार से भाई साहब मेरे साथ पंगा लेने के लिए आया है। हर वक्त मैं बोलता हूँ बल्लास कि मेरे साथ ये पंगा मत लिया कर, लेकिन तुम जो है सुनते ही नहीं हो, मानते ही नहीं हो। चल ये मेरा फुटबॉल शॉट। चलो शिनचैन। अरे बा क्या धोबी पचार दिया इसको। अरे हाँ भाई साहब इन लोगों का ना मुंह नहीं लगना चाहिए। अरे छोड़ूंगा नहीं। अरे पहले पकड़ के तो दिखा फिर छोड़ेगा ना। चलो शिनचैन नोबिता हो गया काम यहाँ पे। भाई साहब नया गाड़ी देखा नहीं भाई साहब, पहले आ गए भिखारी गाड़ी चोरी करने के लिए। चलो यार घर जाते। अरे हाँ चलो चलो चलो। अरे फ्रैंकलिन भैया। अरे हाँ शिनचैन बोल। अरे फ्रैंकलिन भैया आपने बल्लास के साथ पंगा क्यों ले लिया। अरे बल्लास तो भाई साहब हमेशा मेरे साथ पंगा लेता रहता है। चलो कोई नहीं यार, इस बल्लास के भाई साहब कौन डरता है। अरे हाँ सही कहा। ठीक है भाई चलो घर के सामने आ गए। अरे ये क्या फ्रैंकलिन। अरे मिस्टर शर्मा आप यहाँ पे। अरे फ्रैंकलिन क्या ही बताऊँ, मेरा सब कुछ लूट गया यार। अरे भाई सब लूट गया मतलब क्या हो गया। अरे फ्रैंकलिन कुछ लोग आया था। अरे हाँ तो फ्रैंकलिन यहाँ पे कुछ लोग आके यहाँ पे तुम्हारे भाभी को उठा के लेके चला गया फ्रैंकलिन। अरे यार पुलिस में जाइए। अरे नहीं जा सकता फ्रैंकलिन। अरे क्यों। क्योंकि यहाँ पे समाज में बदनामी का डर है फ्रैंकलिन। जब यहाँ पे शहर का रखवाला हमारे घर का पड़ोसी है फ्रैंकलिन, हम लोग पुलिस के पास क्यों जाए। फ्रैंकलिन बच्चा के लेके आओ मेरे वाइफ को। अरे यार मिसेस शर्मा को कौन उठा के लेके गया। अरे फ्रैंकलिन मिसेस शर्मा को वो तुम्हारा पुराना दुश्मन उठा के लेके गया। पुराना दुश्मन तो मेरा बहुत सारा है, लेकिन कौन सा वाला दुश्मन। अरे वो कुछ यहाँ पे बल्लास। अरे बल्लास गैंग। अरे बिल्कुल बल्लास गैंग। अरे यार बल्लास गैंग। अरे फ्रैंकलिन भैया। अरे हाँ शिनचैन बोल। अरे यहाँ पे आइए। अरे हाँ बोल शिनचैन। अरे फ्रैंकलिन भैया मिस्टर शर्मा के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करना सही है क्या। अरे देख भाई साहब रो रहा है यहाँ पे, भाई साहब ट्रस्ट नहीं करे तो क्या करे यार, ये तो हमारा पड़ोसी है ना। अरे हाँ लेकिन मिस्टर शर्मा तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है ना। अरे नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा मत बोला कर। अरे मिस्टर शर्मा कब हुआ इंसिडेंट। अरे कुछ घंटे पहले फ्रैंकलिन प्लीज फ्रैंकलिन यहाँ पे कुछ तो कर। अरे हाँ भाई साहब मैं करता हूँ तो पे ठीक है यार, तो आप घर जाइए मैं यहाँ पे भाई साहब यहाँ देखता हूँ क्या किया जा सकता है। अरे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत यहाँ पे उम्मीद लेकर आया हूँ फ्रैंकलिन प्लीज प्लीज कुछ करो। अरे ठीक है यार ठीक है रोइए मत, मैं करने की कोशिश करता हूँ, जाइए आप। ठीक है फ्रैंकलिन मैं 2 घंटे के बाद आता हूँ। अरे हाँ ठीक है भाई साहब जाइए। यार अजीब बात है यार, मिस्टर शर्मा की वाइफ यहाँ पे मिसेस शर्मा को बल्लास गैंग की उठा के लेके जाएगा। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। अबे चुप। भाई सब क्या हुआ। अरे चुप यार, मिस्टर शर्मा के घर में कुछ हुआ था क्या। भाई सब कुछ चिल्लाने का आवाज वगैरह कुछ आ रहा था भाई सब। अरे लगता है भाई साहब यहाँ पे सच में कुछ हुआ है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया तो क्या करे। क्या करे मतलब यहाँ पर भाई साहब मैं जाता हूँ यहाँ पे बल्लास गैंग के पास, और बल्लास गैंग के पास जाके भाई उसको छुड़ा के लाता हूँ। वैसे बल्लास गैंग ने यहाँ पे सुबह सुबह आज भाई साहब मेरे गाड़ी के ऊपर नजर दे के भाई साहब ठीक नहीं किया। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया सही कहा। बिल्कुल यार एक सेकंड ये किसका फोन आ रहा है। अरे माइकल। अरे हाँ माइकल बोल। अरे फ्रैंकलिन कहाँ है। अरे माइकल मैं घर में हूँ यार, एक भाई साहब बहुत बड़ा इंसिडेंट हो चुका है इसीलिए मैं जा रहा हूँ। अरे यार कहाँ जा रहा है। अरे वो कुछ नहीं यार बल्लास गैंग के पास। अरे क्या बल्लास गैंग के पास, लेकिन क्यों यार। अरे भाई साहब यार मिस्टर शर्मा है ना हमारे पड़ोसी। अरे हाँ उसका वाइफ को भाई साहब किडनैप करके लेके चला गया इसीलिए। अरे यार फ्रैंकलिन रुक मैं भी आता हूँ। अरे नहीं यार बल्लास को तो मैं अकेला संभाल लूंगा। अरे फ्रैंकलिन कैसा बात कर रहा है। अरे हाँ यार मैं संभाल लूंगा तू टेंशन मत ले। अरे ठीक है फ्रैंकलिन अगर कोई जरूरत पड़ा तो फोन कर देना। अरे बिल्कुल। चलो यार माइकल भाई साहब मेरा बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, तो फिर एक काम करते हैं दोस्तों तुम लोग यहीं पर ही रहो, मैं जाके बल्लास गैंग के पास जाता हूँ। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया जाइए। ठीक है यार चलो यार दोस्तों मैं जाता हूँ, तुम लोग घर का ख्याल रखना। अरे फ्रैंकलिन भैया आप अपना ख्याल रखना। अरे हाँ यार चलो यहाँ पे मिसेस शर्मा को छुड़ा के लाता हूँ यार, ये बल्लास गैंग को ना आज भाई साहब मैं छोड़ूंगा नहीं। सुबह सुबह गाड़ी लेके मेरे साथ पंगा कर दिया, उसके ऊपर से भाई साहब पड़ोसी के वाइफ को लेकर चला जा रहा है। यार इन लोगों ने सोचा क्या है, उसके अड्डे के बारे में तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। चलो यार जाता हूँ और जाके भाई साहब बल्लास गैंग का यहाँ पर भाई साहब खात्मा करके आता हूँ। यार दोस्तों आप लोग ने एक काम करो, आप लोग तब तक अपना नाम जो है नीचे कॉमेंट करके बताओ कि आपका नाम क्या है, और जिसका नाम मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा ना उसके नाम के ऊपर मैं यहाँ पर लव रिएक्ट दूंगा।
तो जल्दी से यहाँ पे नीचे कमेंट कर दो अपना नाम। तो बस चलिए लेट्स गो बल्लास गैंग के पास। अरे यार कुछ इसी जगह पे था बल्लास की गैंग की यहाँ पर जो लोकेशन, लेकिन यार अभी मिल क्यों नहीं रहा है। इस साइड में जाता हूँ। अरे इस साइड पर भी नहीं है। अरे भाई साहब कहाँ हो सकते है बल्लास गैंग। अरे यार मैं रास्ता घूम गया क्या यहाँ पर बल्लास गैंग की भाई साहब अड्डा में यहाँ पे भूल गया शायद। अरे भाई चलो यार जाते जाते भाई साहब ढूंढता हूँ मैं। अरे मिल गया रे ये। अरे नहीं 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 ये नहीं है भाई साहब, ये तो नॉर्मल लोगों का घर है। चले बल्लास के बच्चे कहाँ गया तू, डर के मारे लगता है भाई साहब छुप गया है आज। अरे चलो यार यहाँ से धीरे धीरे करके यहाँ पर निकल लेता हूँ और यहाँ पे जाके भाई साहब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आराम करता हूँ, फिर जाके भाई साहब बल्लास को ढूंढूंगा। अरे एक सेकंड, मुझे एक चीज़ के बारे में अभी याद आया, बल्लास गैंग भाई साहब यहाँ पे मेरे पड़ोसी को किडनैप क्यों करेगा, कहीं यहाँ पे कोई चाल तो नहीं ना। अरे वो तो आ गया यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे अड्डा ढूंढ रहा है। अरे नहीं यार भाई साहब चाल क्यों करेगा यार, मेरे साथ उसको थोड़ी कोई दुश्मनी है, लेकिन आज बल्लास गैंग को। अरे ये क्या, अरे भाई साहब ये कैसे स्मोक है। अरे नहीं, अरे ये क्या, अरे भाई साहब ये क्या, अरे भाई साहब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अरे चल ये खा, ये ले और ये ले। अरे मेरा आग जल रहा है। नहीं अरे भाई कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पर। ओह नो, चलो यहाँ पर ये बेहोश तो हो गया, अभी इसको पता चलेगा कि बल्लास गैंग के साथ पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। चलो यहाँ पे इसको लेके जाता हूँ। अरे इसका गाड़ी, ये गाड़ी के लिए हमारे टीम मेट को इसने मारा था ना, ना रहेगा गाड़ी ना रहेगा बांसुरी। चल अरे यार इसके गाड़ी को इसी के सामने फोड़ू क्या। अरे फोड़ ही देता हूँ, ये ले चल गाड़ी गया। गाड़ी यहाँ पे चकनाचूर, अभी इसको लेके जाना पड़ेगा बॉस के पास, बाकी का काम बॉस करेगा चल। अरे नोबिता ले बहुत देर हो चुका है नोबिता, यहाँ पे फ्रैंकलिन भैया अभी तक नहीं आया। अरे यार मुझे लगता है कि यहाँ पे शर्मा अंकल कुछ तब गोया पर छुपा रहा है। अरे हाँ सिंचन मुझे भी लगता है। अरे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे माइकल भैया को कॉल कर देता हूँ। अरे हाँ सिंचन कर दे। अरे ठीक है, अरे कॉल लग गया है। हेलो माइकल भैया। अरे हाँ सिंचन बोलो। अरे माइकल भैया फ्रैंकलिन भैया को गए हुए बहुत देर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे फ्रैंकलिन भैया अभी तक ना ही आए हैं, ना ही यहाँ पे फोन उठा रहा है। अरे यार मैंने बोला था फ्रैंकलिन को कि अकेला मत जाओ। ठीक है सिंचन रुको मैं आता हूँ। अरे हाँ ठीक है आप आ जाइए। चलो मैंने यहाँ पे माइकल भैया को बोल दिया है नोबिता, देखते हैं माइकल भैया कितने देर बाद आता है। अरे हाँ सिंचन। अरे भाई साहब ये मैं कहाँ पड़ू यार। अरे भाई, अरे क्या बल्लास, अरे बल्लास गैंग। अरे देखो इसको होश आ गया, अभी इसको मारना बाकी है। बल्लास गैंग यहाँ पे मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, यहाँ पर मैं तुम लोगों को चुन चुन के मारूंगा। बताओ मिसेस शर्मा कहाँ पड़े। क्या मिसेस शर्मा, लगता है ये जाल में फंस गया। अरे क्या जाल में फंस गया मतलब। अरे मतलब यहाँ पे हमारा बॉस बताएगा। अरे बॉस कौन है तुम्हारा बॉस। अरे बॉस मैं हूँ इन लोगों का बॉस। और फ्रैंकलिन कैसा है। अरे एक सेकेंड, तू तो एडी है ना। बिल्कुल मानना पड़ेगा फ्रैंकलिन, तुम्हारा याददाश्त बहुत बढ़िया है। चलो कोई नहीं, आज मैं यहाँ पे एडी तुम्हारे साथ बल्लास को भी खत्म कर दूंगा। अच्छा चल नीचे बैठ। अरे गन 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 क्यों, नीचे बैठ नहीं तो। अरे बैठता हूँ रुको। लो यार बैठ गया। अरे बहुत बढ़िया, लेकिन यार मिसेस शर्मा कहाँ पर है। अरे यार मिसेस शर्मा हम लोग तो यहाँ पे उसको लाए नहीं थे, तुमको फंसाने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टर शर्मा के साथ डील किया। क्या हमारे पड़ोसी मिस्टर शर्मा के साथ तुमने डील किया मतलब। मतलब सुनो यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया है क्योंकि मुझे पता है
कि तुम यहाँ पे फ्रैंकलिन से चलते हो और यहाँ पे तुम बताओ कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए मिस्टर शर्मा। अरे जी सर, यहाँ पे आप खुश हो के जितना भी दे देंगे चल जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैं तुम्हें पूरा 1 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन यहाँ पे तुमको यहाँ पे नाटक करना होगा कि हम बल्लास गैंग ने यहाँ पे तुम्हारे बीबी को यहाँ पर लेके चले गए और यहाँ पर फ्रैंकलिन तो दयालु है, आज उस फ्रैंकलिन को मरना होगा। उस फ्रैंकलिन का यहाँ पर आज मैं खात्मा करके ही रहूंगा। इस पे हमारा हेल्प करो, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा मिस्टर शर्मा। अरे जी 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 सर सर, ठीक है आप एक काम कीजिए, आप मेरा घर में 1 करोड़ रुपए पहुंचा दीजिए। बिल्कुल, काम हो जाने पर मैं 1 करोड़ तुम्हें यहाँ पर दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये डील सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। अगर थर्ड पार्टी किसी को पता चला तो फिर तेरा खोपड़ी और मेरा गन। अरे नहीं 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 नहीं, पता नहीं चलेगा। ठीक है, जो मैंने कहा वो तुम्हें करना होगा, उस फ्रैंकलिन को मरना होगा। तो पता चला ना कि तुम जिस सोसाइटी में रहते हो यहाँ पे वो सोसाइटी कैसा है फ्रैंकलिन। अरे यार मिस्टर शर्मा, कोई नहीं, सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा, उसके बाद उसको। अच्छा ठीक है, चलो एक चांस मैं तुमको देता हूँ फ्रैंकलिन क्लिंटन। अरे यार शिनचैन अभी तक नहीं आया क्या? अरे माइकल भैया नहीं, यहाँ पे फ्रैंकलिन भैया अभी तक नहीं आया है। अरे पता नहीं यार, फ्रैंकलिन को कितने बार मैंने फोन कर लिया है लेकिन फ्रैंकलिन का यहाँ पे कॉल जब लग ही नहीं रहा है। पता नहीं फ्रैंकलिन कौन से हालत पर है तू। अरे नहीं पता, चलो कुछ देर और वेट कर लेते हैं, बल्लास के पास गया था अकेला, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे शिट मैन, यहाँ पर अगर दम है तो फिर खत्म करके दिखाओ। गार्ड्स चलो टूट पड़ो, और फ्रैंकलिन यहाँ पे तुम भी अपना जलवा दिखाओ। ठीक है मैं दिखाता हूँ। तो फिर ठीक है, आ जाओ मेरे साथ लड़ने के लिए, कौन कौन आना चाहता है मैं भी देखना चाहता हूँ, चलो आ जाओ। बस एडी इतना ही थे, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और इन लोगों को भाई साहब ये खाओ, ये ले भाई साहब, चल फूट ऐसे, ये ले। हमारे और एडी के बीच में यहाँ पे कोई नहीं आएगा, चलो यहाँ पर बहुत बढ़िया, यहाँ पर अभी तुझे कौन बचाएगा। लेकिन फ्रैंक
जल्दी आओ। अरे हाँ माइकल भैया बोलो। अरे यार ये देखो। अरे फ्रैंकलिन भैया, अरे आपको क्या हो गया फ्रैंकलिन भैया? अरे फ्रैंकलिन भैया, अरे भाई साहब ये क्या, यहाँ पर तो फ्रैंकलिन, अरे फ्रैंकलिन को तो बिल्कुल होश नहीं है, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जल्दी से चलो। अरे हाँ चलो 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 जल्दी, यहाँ पे गाड़ी निकलता हूँ। तो फिर सुना यहाँ पे क्या हुआ था फ्रैंकलिन के साथ? और अभी भी तो यहाँ पे बहुत सा सीन होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर तब तक मैं नहीं पहुँचा था फ्रैंकलिन के पास। मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पर कोशिश किया था फ्रैंकलिन को बचाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाया। तो फिर यहाँ पे आगे का स्टोरी जानने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे कमेंट कर दीजिए पार्ट टू, हम लोग पार्ट टू भी यहाँ पे लेके आएंगे, और यहाँ पे पार्ट टू में हम लोग उसके मर्डरर को छोड़ेंगे नहीं। अरे हाँ मैं उसे जान से मार दूंगा, यहाँ पे फ्रैंकलिन भैया को कैसे करके यहाँ पर उसने मारा। तो फिर यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।